हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी पावर। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 26 मई के करंट अफेयर्स, और ये सभी करंट अफेयर्स आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो आप लोग डेली बेसिस पे क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करते रहिए, जिससे आपको एग्जाम्स में भी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में कम्फर्टेबल फील होगा। तो चलिए आज का लेक्चर हम अपने पहले क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, अमेरिकी कंपनी डीएक्सी टेक्नोलॉजी को आमदनी के मामले में कौन सी कंपनी पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे बड़ी तीसरी कंपनी बन गई है। तो TCS, जो कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है, इसने DXC को आमदनी के मामले में पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी IT कंपनी बन चुकी है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है, और इसे इस्टेब्लिश 1 अप्रैल 1968 में किया गया था। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का पिछले वित्त वर्ष में 2,090 करोड़ डॉलर तक आमदनी पहुंच चुकी थी, यानी कि 1,46,300 करोड़ रुपए तक इसकी आमदनी पिछले वित्त वर्ष तक पहुंच चुकी है। तो इसी के साथ इसने अमेरिकी कंपनी DXC को पीछे छोड़ दिया है। IT के मामले में हमारा देश को हब भी माना जाता है, और कैपिटलाइजेशन के मामले में ये हमारे देश की सबसे बड़ी कंपनी है। तो आप याद रख सकते हैं कि तीसरे नंबर पर आ चुकी है TCS DXC को पीछे छोड़कर। अब अपने दूसरे प्रश्न को डिस्कस करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्रस्तावित 4 जजों के नाम को हाल ही में किसने मंजूरी दे दी है। तो सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा पदोन्नति के लिए प्रस्तावित 4 जजों के लिए हाल ही में केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। इस सूची में झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अनिरुद्ध बोस, गुवाहाटी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस A.S. बोपन्ना, बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस B.R. गवई और हिमाचल हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत का नाम शामिल है। तो हमारे संविधान में जो सुप्रीम कोर्ट है, उसमें जजेस की संख्या 31 दी गई है, जो कि हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मिला के हैं। लेकिन अभी तक हमारे सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस को मिला के 31 संख्या नहीं थी जजेस की, लेकिन अब इन 4 जजेस की अपॉइंटमेंट के द्वारा इस कोलिजियन सिस्टम के अकॉर्डिंग पूरी करने की बात की जा रही है सुप्रीम कोर्ट के जजेस की संख्या। तो अब केंद्र सरकार ने ये फैसला दे ही दिया है कि अब हमारे सुप्रीम कोर्ट में जजेस की संख्या पूरी 31 होने वाली है। अब हमारा तीसरा प्रश्न देखिए। नेपाल में रहने वाले गोपाल श्रेष्ठ माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले कौन से नंबर के HIV संक्रमित पर्वतारोही बन गए हैं। तो जो ये गोपाल हैं, ये नेपाल के हैं, और ये पहले नंबर के ऐसे पर्सन हैं जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़े हैं, और ये HIV संक्रमित हैं। और इसी के साथ ये नेपाल के फुटबॉल टीम के भी सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रह चुके हैं, और इन्होंने ये उपलब्धि अपने दूसरे टाइम में प्राप्त की है। यानी कि पहले भी इन्होंने ऐसा करने की कोशिश की, लेकिन किसी वजह से ये नहीं कर पाए। लेकिन अब ये ऐसा करने वाले, यानी कि HIV से पीड़ित होने के बावजूद ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गए, ऐसा करने वाले ये पहले पर्सन हैं। और जो पहला होता है वो तो हमारे एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हो ही जाता है। तो आप याद रख सकते हैं कि इनका नाम है गोपाल, ये नेपाल से बिलोंग करते हैं, और ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले पर्सन हैं जो HIV संक्रमित हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो ये चंद्रबाबू नायडू जी के मुख्यमंत्री थे आंध्र प्रदेश राज्य के, जिन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो आप याद रख सकते हैं कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। अब हमारा 5वां प्रश्न देखते हैं। मलेशिया के पूर्व बादशाह सुल्तान अहमद शाह का हाल ही में कितने वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो मलेशिया के पूर्व बादशाह सुल्तान अहमद शाह का हाल ही में 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। अहमद शाह साल 1974 में पहांग का 5वां सुल्तान घोषित किया गया था। तो आप याद रख सकते हैं कि मलेशिया के पूर्व बादशाह सुल्तान अहमद का निधन हुआ है, और इनका निधन 88 वर्ष की आयु में हुआ है। अब देखिए 6ठा प्रश्न। फीफा ने किस वर्ष के विश्व कप में 48 टीमों को शामिल करने की योजना को रद्द कर दिया है।
तो फीफा वर्ल्ड कप जो 2022 का एडिशन है उसमें 48 टीमों को शामिल करने की बात की जा रही थी, लेकिन वैसे इसमें नॉर्मली 32 टीमों को शामिल किया जाता था। लेकिन अब फीफा ने ये कहा है कि काफ़ी विस्तार से व्यापक परामर्श के द्वारा ये देखते हुए ये फैसला लिया गया है कि पहले की तरह इसमें 2022 में जो वर्ल्ड कप होगा फुटबॉल का, जिसे फीफा वर्ल्ड कप कहा जाता है, इसमें हर साल की तरह 32 टीमों को ही शामिल किया जाएगा। ये फीफा वर्ल्ड कप हर 4 साल में होता है। पिछला एडिशन इसका 2018 में ही हुआ था और इसका अगला एडिशन 2022 में होने वाला है। अब अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। वित्त वर्ष 2018-19 में ONGC विदेश लिमिटेड का शुद्ध मुनाफा कितने % बढ़ गया है? तो ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, जो कि एक इंडियन ऑयल एंड गैस मल्टीनेशनल कंपनी है, इसका वित्त वर्ष 2018-19 में विदेश लिमिटेड का शुद्ध मुनाफा 71% बढ़ गया है और वित्त वर्ष 2018-19 में एकीकृत आधार पर 1,682 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा हुआ था इसे, जो कि 981 करोड़ रुपए से 71.40% बढ़ गया है। तो आप याद रखिएगा 2018-19 में इसका 71% बढ़ा है मुनाफा, जो कि 1,682 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा हुआ है। तो आप इन सभी पॉइंट्स को अच्छे से याद रख सकते हैं और इस ONGC जो कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन है, इसका हेडक्वार्टर हमारे न्यू दिल्ली में है। अब हमारा 8वां प्रश्न है। भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी सुनीता लाकरा ने हाल ही में कितने अंतर्राष्ट्रीय मैच पूरे कर लिए हैं? तो हाल ही में भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी सुनीता लाकरा ने 150 अंतर्राष्ट्रीय मैच पूरे कर लिए हैं। सुनीता लाकरा ने 2009 में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी की शुरुआत की थी। उन्होंने 10 सालों में भारतीय महिला हॉकी टीम में अपना महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। तो 10 सालों से ये खेलती आ रही हैं और इन्होंने 150 अंतर्राष्ट्रीय मैच पूरे कर लिए हैं, जिनका नाम है सुनीता लाकरा। तो आप याद रख सकते हैं। अब हमारा 9वां प्रश्न है। सुप्रीम कोर्ट में 4 जजों की नियुक्ति के साथ ही अब जजों की कुल संख्या कितनी हो गई है? तो इसका सही उत्तर है 31। अभी ही मैंने आपको बताया कि हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट में 4 नए जजों की नियुक्ति की बात चल रही है, जो कि हमारे संविधान में 31 जजों की संख्या दी गई है। 2010 के बाद ऐसा पहली बार हो रहा है कि जितनी सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या होनी चाहिए अब उतनी ही होने वाली है। तो आप याद रख सकते हैं कि 4 नए जज अपॉइंट किए जाने हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट में, जिससे अब जजों की संख्या 31 हो जाएगी और इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी इंक्लूड हैं। अब हमारा आखिरी प्रश्न है। निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति मैत्रीपाल सिरीसेना ने देश में आपातकाल की समय सीमा को 1 महीने और बढ़ा दिया है? तो श्रीलंका में हुए हाल ही में ईस्टर के त्यौहार पर काफ़ी आत्मघाती आतंकी हमला देखा गया, जिसमें 250 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई। तो राष्ट्रपति मैत्रीपाल सिरीसेना ने और भी ज़्यादा सिक्योरिटी को बनाए रखा जा सके श्रीलंका में और श्रीलंका में माहौल को शांतिग्रस्त रखा जा सके, इसलिए आपातकाल की समय सीमा को 1 महीने और बढ़ा दिया गया है श्रीलंका में। तो ये तो थे हमारे आज के top 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपको क्वेश्चंस भी समझ में आ गए हो। अगर आपको लगा हो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए ये वीडियो बेनिफिशियल है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और आप इस वीडियो की PDF भी हमारे टेलीग्राम से या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स के दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद।